हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटा न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप शेख कुशल होंगे। हम आपके लिए लेकर आए प्रश्नोत्तरी जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। और आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 100 क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? ए 1885, बी 1890, सी 1889, डी 1888। तो देखिए आप, इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा ए नंबर ऑप्शन 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए महात्मा गांधी, बी विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड रिपन, डी ए ओ ह्यूम। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा डी नंबर ऑप्शन ए ओ यूम। ए ओ यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के उपनाम से भी जाना जाता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए 80, बी 90, सी 72, डी 65। तो ध्यान रखें आप, इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा सी 72। 72 सदस्यों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हिस्सा लिया था। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई के तेजपाल स्कूल के अंतर्गत हुआ था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी एनी बिसेन। तो ध्यान रखें आप, इसके अंदर जो हमारा आंसर राइट होगा बी नंबर ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई जो नौरोजी है ये कांग्रेस के तीन अधिवेशन का अध्यक्षता करता है, और एनी बिसेन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं और निवासी आयरलैंड की हैं। 1893 में एनी बिसेंट भारत आई थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहां हुआ था? ए बंबई, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी सूरत। तो ध्यान रखें, कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बी नंबर ऑप्शन राइट। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने जो तीन अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1886 कलकत्ता में, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तृतीय अधिवेशन कहां हुआ था? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी मद्रास, डी दिल्ली। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन मद्रास। जल्दी से कमेंट में जरूर लिखे कि इसके अधिवेशन का अध्यक्षताकर्ता कौन थे। हाँ, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद, बी मद्रास, सी सूरत, डी कलकत्ता। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ए नंबर ऑप्शन इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया, ध्यान रखें आप, प्रयागराज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारवादी अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसमें विश्वास करते थे? ए हथियारों में, बी बहिष्कार में, सी स्वदेशी में, डी प्रार्थना पत्र और शिष्टमंडलों में। तो देखिए आप, इसमें आंसर
डी नंबर ऑप्शन, प्रार्थना पत्रों और शिष्टमंडलों में उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, जो उग्रवादी हिंसा में विश्वास करते थे और उदारवादी अहिंसा में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादी किसके प्रति स्वामी भक्त थे? ए स्वयं के प्रति, बी ब्रिटिश सम्राट के प्रति, सी भारतीय नरेशों के प्रति, डी देश की जनता के प्रति। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन, ब्रिटिश सम्राट के प्रति। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उदारवादी नेताओं द्वारा भारतीय जनता को क्या प्रदान किया गया? ए राजनीति का प्रशिक्षण, बी हथियारों का प्रशिक्षण, सी उग्र भाषणों का प्रशिक्षण, डी अंग्रेजों के विरोध का प्रशिक्षण। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ए राजनीति का प्रशिक्षण। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष एवं आंदोलन द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? ए उग्र राष्ट्रवाद, बी नरम राष्ट्रवाद, सी आतंकवाद, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ए उग्र राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रमुख उग्र दल नेता कौन कौन थे? ए ऑप्शन देखिए आप, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। बी देखिए आप, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, बिस्मिल्ला खां, डी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए आप, बंगाल के प्रमुख उग्र दल के नेता कौन थे, यानी उग्रवादी विचारधारा के नेता। इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल के नाम से इन्हें जाना जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र दल नेताओं द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस पर बल दिया गया? ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा पर बल, बी प्रार्थना पत्र, सी शिष्टमंडल, डी निवेदन करना। तो देखा आप, इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा पर बल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए लॉर्ड डफरिन, बी ए ओयूम, सी बेंटिंग, डी महात्मा गांधी। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन, ए ओयूम। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई? ए मित्र मेला, बी अनुशीलन समिति, सी इंडियन एसोसिएशन, डी बारदोली आंदोलन। इसमें राइट होगा सी इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी तक राष्ट्रीय आंदोलन कहां तक सीमित था? ए उच्च शिक्षा प्राप्त व मध्यम वर्ग तक, बी निम्न वर्ग तक, सी कुलीन वर्ग तक, डी केवल स्वर्ण वर्गों तक। इसमें राइट होगा ए उच्च शिक्षा प्राप्त व मध्यम वर्ग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र दल आंदोलनों को दबाने के लिए तथा उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 ईस्वी में कौन सा सुधार पारित किया? ए चेम्सफोर्ड, बी मार्ले मिंटो सुधार, सी साइमन, डी क्रिप सुधार। देखा आप, इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर
बी नंबर ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें पहली बार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन में आरक्षण का अधिकार दिया गया, और चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पारित हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था, और क्रिप सुधार 1942। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज्य की मांग किसने की थी? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर सी दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के तीन बार अधिवेशन का अध्यक्षता करता है प्रारंभ में, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस के तीन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हाँ, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का किसमें विभाजन हुआ? ए नरम दल प्लस आतंक, बी नरम दल गरम दल, सी आतंक प्लस उग्र, डी नरम प्लस गरम प्लस उग्र। तो इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन नरम दल, गरम दल प्लस नरम दल, है ना। 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, और कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई, गरम दल प्लस नरम दल। गरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो लाल बाल पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उग्रवादिता सामाजिक रूप से निश्चित तौर पर प्रतिक्रियावादी कौन थे? ए पंडित नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी स्वामी विवेकानंद, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सम्राट के प्रति स्वामी भक्त कौन थे जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित तथा अंग्रेजों की ईमानदारी एवं न्यायप्रियता में विश्वास करते थे? इसमें जो राइट होगा ए न्यायवादी, बी उदारवादी, सी उग्रवादी, डी महान्यायवादी। इसमें राइट होगा बी उदारवादी। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, ध्यान रखें आप, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 1886 के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? ए दादाभाई नौरोजी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सरदार पटेल, डी स्वामी विवेकानंद। ए नंबर ऑप्शन दादाभाई नौरोजी, जो कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन 1886 कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? ए गयासुद्दीन, बी इमरतहीन, से बहादुरुद्दीन तैयब जी, डी शमसुद्दीन। इसमें राइट होगा सी बहादुरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1888 के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ए जॉर्ज जूले, बी जॉर्ज बुश, सी डुप्ले, डी रिपन। इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन जॉर्ज जूले। जॉर्ज बुश तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे और रिपन भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 ईस्वी के कांग्रेस विभाजन सूरत अधिवेशन किस कारण हुआ? ए रास बिहारी बोस के अध्यक्ष चुने जाने के कारण, बी तिलक के अध्यक्ष चुने जाने पर, सी महात्मा गांधी के अध्यक्ष चुने जाने पर, डी दादाभाई नौरोजी के अध्यक्ष चुने जाने पर। इसमें राइट होगा हमारा आंसर ए रास बिहारी बोस के अध्यक्ष चुने जाने के कारण। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 ईस्वी के कांग्रेस विभाजन का विरोध किसने किया? ए भगत सिंह वे उनके साथियों ने, बी तिलक वे उनके साथियों ने, सी नौरोजी वे उनके साथियों ने, डी व्योमेश बनर्जी वे उनके साथियों ने। तो इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन तिलक वे उनके साथियों ने, यानी लाल बाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी आगा खां द्वारा, सी सलीमुल्ला खां द्वारा, डी सर सैयद अहमद द्वारा। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर सी सलीमुल्ला खां द्वारा।
दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? ए 1905, बी 1908, सी 1960, डी 1906। तो इसमें राइट होगा डी, दिसंबर 1906। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ए इकबाल, बी सर सैयद अहमद, सी सर आगा खां, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर सी, सर आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? ए लाहौर, बी कराची, सी कुवैत, डी इस्लामाबाद। तो इसमें राइट होगा ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? ए 1920, बी 1921, सी 1911, डी 1923। इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट होगा 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 ईस्वी में देश के किस भाग का विभाजन रद्द किया गया? ए राजस्थान, बी कश्मीर, सी उड़ीसा, डी बंगाल। इसमें राइट होगा डी बंगाल। 1905 में विभाजन हुआ और 1911 में पुनः एकीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर क्या बनाया गया? ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी इंडिया गेट, सी तोरण, डी बुलंद दरवाजा। इसमें राइट होगा ए गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 ईस्वी में राष्ट्रगान जनगणमन किसके द्वारा बनाया गया? ए सुरेंद्रनाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी दादाभाई नौरोजी। इसमें राइट होगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान कब रचा गया? ए 1905, बी 1915, सी 1911, डी 1899। इसमें राइट होगा सी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 से 1914 ईस्वी तक तिलक को कौन सी जेल में रखा गया? ए मांडले जेल, बी तिहाड़ जेल, सी इस्लामाबाद जेल, डी दिल्ली जेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखें आप ये। इसमें राइट होगा ए मांडले जेल। ध्यान रखें आप, बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य पुस्तक लिख डाली थी। और बाल गंगाधर तिलक ऐसे नेता हैं जो एक भी कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं की है और इसे भारतीय असंतोष का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजद्रोह के अपराध में तिलक को कितने वर्ष की सजा हुई? ए 8 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष। तो इसमें जो आंसर हमारा बनेगा वो बी 6 वर्ष, कि 1908 में जेल में गए और 1914 में रिहा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का कौन सा पुरस्कार मिला? ए नोबेल पुरस्कार, बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी भारतन पुरस्कार, डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें राइट होगा ए नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखें, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता विनोबा भावे हैं और पहला भारतन पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस पर दिया गया? ए राष्ट्रगान पर, बी जनगणमन पर, सी गीतांजलि पर, डी पोस्टमैन पर। इसमें राइट होगा सी
गीतांजलि पर, अर्थात गीतांजलि पुस्तक जो साहित्य है उसके लिए 1913 में ये नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1901 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में किसके प्रयास से कांग्रेस समझौता हुआ? ए गांधी जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी तिलक जी, डी एनी बेसेंट। तो इसमें राइट होगा सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ए मिसेज एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सी तिलक तथा गोखले, डी विपिन चंद्र पाल तथा गोखले। तो इसमें जो राइट होगा ए मिसेज एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट वे तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए स्वराज्य प्राप्त करना, बी संविधान बनाना, सी औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना, डी अंग्रेजों को भगाना। तो इसमें राइट होगा सी औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ देखा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक ने कौन से समाचार पत्र चलाए? ए मराठा व केसरी, बी बंगाल गजट तथा इंडिया गजट, सी पत्रिका तथा पंजाब केसरी, डी कलकत्ता गजट तथा बंगाल जनरल। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा ए मराठा वे केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा चलाया गया? ए महात्मा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी तिलक। तो इसमें जो आंसर होगा बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 में किस घोषणा के साथ होम रूल आंदोलन समाप्त हुआ? ए सर क्रिप्स, बी सर साइमन, सी मॉन्टेस्क्यू, डी चेम्सफोर्ड। तो इसमें जो आंसर राइट होगा सी मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1917, बी 1910, सी 1920, डी 1924। ए नंबर ऑप्शन राइट 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अपराध के कारण तिलक को मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए भेजा गया? ए राजद्रोह के अपराध में, बी देशद्रोह के अपराध में, सी घर द्रोह के अपराध में, डी अंतर्राष्ट्रीय विरोध के अपराध में। तो इसमें राइट होगा ए राजद्रोह के अपराध में। ध्यान रखिए बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई है वो 1920 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 ईस्वी में कौन सा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया? ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी हिंद देश के निवासी। इसमें राइट होगा ए जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ए 1906 में, बी 1907 में, सी 1916 में, डी 1905 में। इसमें राइट होगा बी 1907 में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गांधी युग से संबंधित हैं, हम पूरे राष्ट्र आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ में जो भी टॉपिक राष्ट्र आंदोलन आएगा अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस में, तो निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ चलते 51 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कौन से सन में रोलेट एक्ट पारित किया गया? ए 5 मार्च 1919 को, बी 10 मार्च 1919 को, सी 8 अक्टूबर 1919 को, डी 7 दिसंबर 1919 को। तो इसमें जो राइट होगा ए 5 मार्च 1919 को। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है।
इन्हें बिना दलील बिना अपील का कानून के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें आप। और बिना दलील बिना अपील का कानून जो कहा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। हाँ, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार 5 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया जिसे भारतीयों को किस स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया? ए धार्मिक स्वतंत्रता पर, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, डी भाषण की स्वतंत्रता पर। तो इसमें राइट होगा सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 13 अप्रैल 1919 को, बी 15 अप्रैल 1920 को, सी 14 अप्रैल 1917 को, डी 12 अप्रैल 1918 को। तो इसमें राइट होगा ए 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखें आप, जनरल डायर के नेतृत्व में यह घटना घटी थी और उधम सिंह उस दौरान उस नजारे को देखा था और उधम सिंह ने यह निश्चय किया कि मैं डायर तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अंततः 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन जाके मार गिराया और उधम सिंह को वहीं पर इस फांसी दी गई। हाँ, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंजाब के कौन से गांव में जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई? हम मानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, लेकिन गांव कौन सा था? तो देखिए आप, ए नंबर ऑप्शन हंसौर, बी लुधियाना, सी रोहतक, डी अमृतसर। तो इसमें राइट क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर जनरल डायर द्वारा गोलियां जो चलाई गई जिसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? ए 1200, बी 1800, सी 500, डी 800। तो इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन 1200। कुछ बुक्स में आगे पीछे आंकड़े भी मिलते हैं, ध्यान रखें आप। तो बहुत बड़ी निर्मम है घटना थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया? तो पहले तो ध्यान रखें आप, हंटर कमेटी का संबंध किससे है? वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और इसका गठन जो किया गया वो किसकी अध्यक्षता में किया गया? ए विलियम हंटर, बी विलियम सार्जेंट, सी जॉर्ज थॉमस, डी डायर बंधु। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? ए विलियम हंटर, हंटर कमेटी उसी के नाम से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको ब्रिटिश का शेर कहा गया? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी जनरल डायर, सी क्लाइव, डी डलहौजी। तो ध्यान रखें इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसे ब्रिटिश का शेर कहा गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों द्वारा किस सन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया? ए 17 मार्च 1919, बी 3 मई 1919, सी 31 मई 1919, डी 30 अगस्त 1920। तो इसमें राइट होगा सी 31 अगस्त 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 में किसके द्वारा प्रांतों में द्वित शासन लागू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। ए साइमन द्वारा, बी गवर्नर द्वारा, सी ब्रिटेन द्वारा, डी 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो इसमें राइट क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन 1919 के अधिनियम के द्वारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मांगे किसकी थी कि टर्की विभाजन रद्द किया जाए, खलीफा के पद को पुनर्स्थापना की जाए? ए खिलाफत की, बी असहयोग आंदोलन की, सी सविनय अवज्ञा, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ए खिलाफत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ए चंपारण, बी डांडी यात्रा, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो कौन सा राइट होगा हमारा आंसर इसमें? चंपारण आंदोलन 1917 जो गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। ध्यान रखें आप, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को होता है और खिलाफत आंदोलन 1919 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? ए बिहार में, बी उड़ीसा में, सी पश्चिम बंगाल में, डी नागालैंड में। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर ए बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल लॉ के विरोध में रविन्द्रनाथ द्वारा कौन सी उपाधि लौटा दी गई? ए ठाकुर की उपाधि, बी सर की उपाधि, सी नाथ की उपाधि, डी टैगोर की उपाधि। तो इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन सर की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डमी के विरोध में, हाँ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, डमी के विरोध में किसके द्वारा गवर्नर जनरल परिषद से त्याग पत्र दे दिया? ए दादाभाई नौरोजी द्वारा, बी व्योमेश बनर्जी द्वारा, सी सर शंकरन नायर द्वारा, डी मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसमें राइट होगा सी सर शंकरन नायर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य की विजय के लिए प्रयास करना क्या है? ए सत्याग्रह, बी अहिंसा, सी असत्य, डी अपरिग्रह। तो इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन सत्याग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ताल, अनशन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और हिजरत ये किसके रूप में है? ए आजादी के, बी हिंसा के, सी सत्याग्रह के, डी अहिंसा के। तो इसमें राइट होगा सी सत्याग्रह के लिए, जो गांधी जी ने किया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया? सन बताइए, ए 1924, बी 1921, सी 1930, डी 1920। तो राइट क्या होगा डी 1920। कहां से? नागपुर अधिवेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील पंडित मोतीलाल नेहरू, भोला भाई, चित्रंजन दास आदि ने किसका बहिष्कार किया? न्यायालय का, भी अंग्रेजों का, सी शिक्षा का, डी साइमन आयोग का। तो इसमें राइट होगा ए न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस घटना द्वारा बंद हुआ? ए खिलाफत आंदोलन, बी चोरा चोरी, सी सविनय अवज्ञा, डी दांडी यात्रा। तो इसमें राइट क्या होगा बी चोरा चोरी घटना, जो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी गोरखपुर के अंतर्गत हुई, जो एक पुलिस चौकी को जला दिया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 22 सिपाही जल गए थे। अर्थात असहयोग आंदोलन अहिंसावादी विचारधारा पे था, जो हिंसावादी रूप प्रकट कर लिया। इस कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड कौन से सन में हुआ? ए जून 1922, बी 6 मई 1920, डी 8 फरवरी 1921, डी 5 फरवरी 1922। तो क्या राइट होगा इसमें 5 फरवरी 1922 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में बारदोली में कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई? ए 12 फरवरी 1922 को, बी 17 फरवरी 1920 को, सी 10 फरवरी 1922 को, डी 20 फरवरी 1922 को। तो क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा ए 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में कौन सी पार्टी इलाहाबाद में गठित हुई? ए मुस्लिम लीग, बी स्वराज पार्टी, सी कांग्रेस पार्टी, डी गदर पार्टी। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर बी स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ए तिलक तथा गोखले, बी गांधी तथा लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास, डी भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद। तो क्या राइट होगा इसमें सी मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? ए नवंबर 1930, बी नवंबर 1926, सी मार्च 1926, डी नवंबर 1927। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? डी नवंबर 1927। ध्यान रखें डी नंबर ऑप्शन राइट है इसमें। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में भारत आया और 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। जांच 1919 के अधिनियम की करनी थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था में एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया? ए साइमन कमीशन, बी हंटर आयोग, सी सार्जेंट आयोग, डी मार्ले मिंटो आयोग। तो देखा आप इसमें राइट, ए साइमन आयोग, क्योंकि साइमन आयोग का गठन जो 1927 में हुआ उसमें 7 सदस्य थे, सभी 7 अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था और इसे स्वायत्त कमीशन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष समाप्त हुआ? ए फरवरी 1929 में, बी फरवरी 1928 में, सी फरवरी 1927 में, डी अगस्त 1926 में। तो इसमें राइट होगा बी फरवरी 1928 में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी सर साइमन, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर सर साइमन, सी नंबर ऑप्शन। और लाला लाजपत राय तो क्या है, इसके विरोध में लाठियों के प्रहार से मृत्यु हुई थी लाहौर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी साइमन वापस जाओ आंदोलन। डी साइमन वापस जाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में किस नदी की तट पर की गई? ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी जैलम नदी, डी सतलज नदी। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ए रावी नदी। ध्यान रखें इस नदी का प्राचीन नाम परशुनी नदी है और लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। कांग्रेस का 1929 जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग की थी उसकी अध्यक्षता जो की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 31 दिसंबर 1929 में किसके अध्यक्षता में की गई? ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। तो बी नंबर ऑप्शन राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ए 26 जनवरी 1930 को, बी 27 जनवरी 1931 को, सी 28 मई 1930 को, डी 10 जून 1930 को। तो इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा ए 26 जनवरी 1930 को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्री तट तक दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? ए 10 जून 1930, बी 12 मार्च 1931, सी 12 मई 1931, डी 12 मार्च 1930। तो क्या राइट होगा डी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्री तट पर नमक कानून को तोड़कर कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? ए सविनय अवज्ञा, बी नमक, सी दांडी यात्रा, डी खिलाफत आंदोलन। इसमें जो राइट होगा ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परंपराओं को तोड़कर महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया? ए असहयोग आंदोलन, बी नमक सत्याग्रह, बी अलीगढ़ आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें जो राइट होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1930 को, बी 7 मई 1932 को, सी 5 मार्च 1931 को, डी 5 मार्च 1932 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था यानी सी नंबर ऑप्शन।
तेज बहादुर संप्रभु के मध्यस्थता की थी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य यह समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1931 में कांग्रेस में ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसके प्रतिनिधि कौन थे? ए दादाभाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। तो डी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी, क्योंकि कांग्रेस की प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब समाप्त किया गया? ए 7 अप्रैल 1933, बी 8 अप्रैल 1934, सी 9 अप्रैल 1940, डी 7 मई 1933। तो इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन 7 अप्रैल 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी कांग्रेस से अलग कब हुए? ए 1930, बी 1932, सी 1934, डी 1940। तो इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा सी 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुके आप, 1934 में कांग्रेस से अलग नहीं हुए, 1940 से हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शासक महाराजा गंगा सिंह और महाराजा जय सिंह ने किस सम्मेलन में भाग लिया? ए लाहौर अधिवेशन, बी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, डी प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसमें राइट होगा डी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी डी नंबर ऑप्शन 1930 में हुआ था लंदन के अंतर्गत। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले कौन थे? दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर नंबर क्वेश्चन देखिए आप 90, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए सितंबर 1931, बी सितंबर 1932, डी दिसंबर 1932, डी सितंबर 1930। तो इसमें जो आंसर राइट होगा ए सितंबर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए नवंबर 1932 में, बी नवंबर 1931 में, सी अक्टूबर 1931 में, डी अक्टूबर 1930 में। इसमें राइट होगा ए नवंबर 1932 में। कांग्रेस ने मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कांग्रेस ने केवल किस सम्मेलन में भाग लिया? तो क्या राइट होगा इसमें ए नंबर ऑप्शन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रतिनिधि कौन गया? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विरोध में गांधी जी द्वारा पूना की यरवदा जेल में अनशन किया गया? ए रॉलेट एक्ट के विरोध में, बी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, सी चोरा चोरी कांड के विरोध में, डी निम्न लोगों पर हुए अत्याचार के विरोध में। इसमें राइट होगा बी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट स्वतंत्र भारत के संविधान में किस वर्ग के लिए आरक्षण पद्धति का आधार बना? ए निम्न वर्ग, बी उच्च वर्ग, सी दलित वर्ग, डी कुलीन वर्ग। इसमें राइट होगा हमारा आंसर सी दलित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग का विचार 1933 में किसके द्वारा सुझाया गया? ए इकबाल, बी सैयद बंधु, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली के द्वारा। इसमें राइट होगा हमारा आंसर डी चौधरी रहमत अली के द्वारा। और पृथक पाकिस्तान की जो मांग 1940 में हुई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुस्लिम लीग द्वारा अधिकृत रूप से पाकिस्तान की मांग कब की गई? ए 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, बी 1907 सूरत अधिवेशन, सी 1946 में पंजाब अधिवेशन, डी 1927 में पूना अधिवेशन। इसमें ए राइट होगा 1940 लाहौर अधिवेशन, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा अधिकृत रूप से पाकिस्तान की मांग द्विराज सिद्धांत के तहत 1940 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सर सैयद अहमद का, सी इकबाल, डी अनायत खां। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर ए मोहम्मद अली जिन्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र देने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग कब मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? ए 23 जून 1950 को, बी 22 दिसंबर 1940 को, सी 22 दिसंबर 1939 को, डी 22 जून 1940 को। इसमें राइट होगा बी 22 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? ए वॉरन हेस्टिंग्स, बी माउंट बैटन, सी लॉर्ड लिनिथगो, डी लॉर्ड रिपन। तो इसमें राइट होगा बी माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई? ए 78 अनुयायियों द्वारा, बी 72 अनुयायियों द्वारा, सी 73, डी 70। क्या राइट होगा? ए 78 अनुयायियों द्वारा। 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। जो उनकी मुट्ठी में नमक था उसे नीलामी के तहत ताड़केश्वर ने खरीदा। तो कैसे लगे हमारे ये 100 क्वेश्चन राष्ट्र आंदोलन के, जो लगभग हर कॉम्पिटिशन के लिए लाभदायक हैं? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से आप लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसी प्रश्नोत्तरी और अन्य क्लासें भी आपको उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।